SBS News, सच का साथी। 68,500 सहायक अध्यापक की नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने आज राजधानी लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ते देख पुलिस ने उनको बलपूर्वक वहां से खदेड़ दिया। बता दें 68,500 भर्ती में 30% और 33% वाले अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार या तो भर्ती दे या अर्थी दे। भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग को लेकर शुक्रवार दोपहर कई अभ्यर्थियों ने बीजेपी दफ्तर घेरा। इस दौरान कुछ लोग विधानसभा के पास सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करने लगे। इसके चलते यातायात सिस्टम भी बिगड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की लाठीचार्ज में कई महिला अभ्यर्थियों को चोट आई। अभी आपकी क्या मांगे हैं और क्या हुआ अभी? आप जब मांग ये है भैया कि 68,500 जो भर्ती निकली थी उसमें जो है 41,555 पद भर दिए गए हैं। जो बचे हुए रिक्त पद हैं उन्हें मुख्यमंत्री के शासनादेश के अनुसार 30-33 कट ऑफ लागू करके उन्हें भी भरा जाए। और अभी जब आप अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे तो क्या हुआ? अरे भैया कुछ मत पूछो, बहुत बुरा हाल है। बोले प्रशासन का तो यही ना पता कि महिलाओं पे कौन लाठीचार्ज करेगा या पुलिस पे कौन करेगा। अब तो लड़कियों के ऊपर जो है लेडी जेंट्स पुलिस जो है अत्याचार कर रही है। जेंट्स पुलिस अपने भाई तुम्हें लेके आओ ना लेडीज को, लेकिन मेरे तो एक जेंट्स ने ऐसे हाथ ऐसे कस के पकड़ लिया पुलिस वाले ने। मैंने कहा सर आप ऐसे अरेस्ट कैसे कर रहे हैं? ये कोई आतंकवादी बच्चे थोड़ी है जो आप इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे करके पकड़ के कस के हाथ किया, मैं मेरा कंगन ही मौल गया। ये कोई तरीके बना रखे हैं बताओ? हम ऐसे घर परिवारों के लोग हैं क्या? नाम है तुम इस तरीके से जाति करोगे? ये पुलिस वाले भी हैं, हद कर रखी है बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आगे, क्या है आप भैया? आगे ये है कि जो हमें ऊपर से हमारे जो बच्चे ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, जब तक वो हमें नहीं बताएंगे तब तक हम इसी तरीके से जो है संघर्ष करते रहेंगे। ना आज का पता ना कल का पता, हम तो अभी लखनऊ में हैं और लखनऊ में ही रहेंगे। अपना नाम बताओ। हाँ, और डॉक्टर प्रभात कुमार है वो तो समझ लो इस सभी झगड़ों की मूल जड़ हुई है। नहीं नहीं, न्यायालय को भी पूरा गुमराह कर रहे हैं। साहब डेली उनसे डेली उनको बोलते हैं कि हमारे इसमें क्या कार्रवाई हुई, 30-33 वाले में क्या कार्रवाई हुई, पूरे 68,500 में क्या कार्रवाई हुई। उन्हें कहते हैं नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। अरे आपको पता नहीं तो आप सचिव बने कैसे? कैसे बने आप सचिव? और योगी जी से पूछिए उन्हें बनाया क्यों? अरे भाई किसी योग्य को बना देते, आपके पास तो योग्यों की पूरी टीम है, किसी योग्य अधिकारी को रखते। कभी काउंटर नहीं लगा रहे हैं, कभी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कोई जवाब तो सेटिस्फेक्शन जवाब तो होता नहीं है कि हमें नहीं पता। जज साहब पूछ रहे हैं आपने काउंटर क्यों नहीं लगाया, हमें नहीं पता। 30-33 क्यों किया था, हमें नहीं पता। 40-45 पे रिजल्ट क्यों दिया, हमें नहीं पता। तुम्हें पता नहीं है तो आप सचिव बन कैसे गए? केवल सिलेक्शन से? और अब इलेक्शन वाले चला रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा? इलेक्शन सिलेक्शन, बच्चे बेचारे सड़कों पे मर रहे हैं, पिट रहे हैं, रो रहे हैं। महिलाओं का ये काम है, हमारा ये काम है। हम सड़कों पे, यहाँ लखनऊ की सड़कें, लखनऊ की धरती है इस लायक है कि महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ पे? पुरुषों के साथ तो महिलाएं सुरक्षित है नहीं यहाँ पे। अकेली महिलाएं खींच खींच के मार रही हैं यहाँ पे। आए दिन यहाँ पे कोई गोली मारता है, कोई डिवाइडर पे खड़े हो गए, कोई कहीं है। समझ में नहीं आता योगी जी को, पता नहीं कहाँ जाके सो गए हैं। भाई साहब एक मिनट कहना चाहेंगे। मेरा नाम निधि राजपूत है भाई साहब। इतनी दूर से हम लोग आए हैं, 500-500, 800-800 किलोमीटर दूर से, मुरादाबाद जिले से मैं आई हूँ। क्या इसलिए आए हम सड़कों पे मरे पड़े? हमारे घर वाले भी हैं, हमारे पीछे भी कोई है? योगी जी के तो आगे पीछे कोई है नहीं, कम से कम ये तो देख ले। भैया लड़ाई सिर्फ इतनी है कि कथन मुख्यमंत्री जी के मुँह से निकला है। लड़ाई सिर्फ इस बात की है, गुस्सा सिर्फ इस बात का है, किसी सामान्य नागरिक का कथन नहीं है ये। और लिखित में है, लिखित में शासनादेश है, कथन नहीं है, लिखित में है। अपने ही शासनादेश को पेपर यूज कर रहे हैं। हम लोग अभी क्या हुआ जब आप विधानसभा का घेराव करने गए? सर हम लोग की 27,000 सीटें वैकेंट हैं, जो हम लोग की मांग है कि पूरी फुलफिल की जाए। और मुख्यमंत्री योगी जी ने पूरी कैबिनेट बैठक की थी 21 मई को, हम लोग ने 9 दिन पहले 27 मई को हम लोग पेपर दिए हैं। तो क्या उसको जो कैबिनेट बैठे हुए, तो क्या ये अयोग्य लोग बैठे हुए थे जो कह रहे हैं? हम लोग को कह रहे हैं अयोग्य विद्यार्थी हैं। हम लोग इतना परेशान हैं, आज 2 मंथ हो गए हैं 13 तारीख होने को आई है, और कोई भी ना तो शासन और ना ही प्रशासन कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैं उससे यही उनसे वही विनती करती हूँ कि इनसे बार बार हम लोग के साथ ऐसा मत करे सर, बस हम लोग की पूरी सीटें फुल करी जाए। अभी जब आप विधानसभा का घेराव करने गए थे तो क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग पे लाठीचार्ज हुई और पुलिस वाले कुछ लोग को भर भर के अपनी गाड़ियों पे ले गए थे, कम से कम 20-20 लोग को भर के ले गए, और कह रहे हैं आप लोग के नहीं सुने जाएंगे,
क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आश्वासन है कि हम लोग पे लाठी चार्ज की जाए, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। पुरुष के साथ महिला पर भी लाठी चार्ज ही महिला जो जी महिला और पुरुष सब पे कोई वो नहीं हुआ है। महिला पुलिस कांस्टेबल थी उस वक्त मौजूद या नहीं थी? नहीं थे, मेल हुए थे कांस्टेबल। कितने लोग घायल हुए हैं आपके साथ के जिन पे लाठी चार्ज हुआ? कुछ 20 लोग हैं सर, जो मतलब कि कैंडिडेट घायल हो गए, उनके सर पे चोट आई है और एक मैम है उनके चूड़ी कंगन से टूट गए और बाल वाल भी खींच लेंगे, किसी लोगों के एयरिंग बाली जो सब। आखिर क्या क्या वजह पड़ी लाठी चार्ज की, क्या किसी तरीके हम लोग की मांग है सर कि हम लोग की सीटें फुल करी जाए और हम लोग रोड जाम कर दे, इसलिए उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया है। नहीं कोई समझाव नहीं, कोई बात नहीं है, कह रहे हैं कि तुम सीधा अयोग्य हो, फेल हो। क्या नाम है आपका? चांदना शर्मा, लखनऊ से।